أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. आज के दौर में हर इंसान डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी वजह से दिमाग और नज़र कमजोर हो जाती है। आपने देखा होगा कि बचपन में ही मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक लग जाती है, यानी कि तमाम उम्र ऐनक के सहारे ही जिंदगी गुजारना पड़ती है। दिमाग की कमजोरी की वजह से ख्यालात मुंतशिर रहते हैं और याददाश्त कमजोर हो जाती है। चलते वक्त अक्सर चक्कर आते हैं। पैरों के बल बैठने के बाद उठते ही आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। हाजमा भी अक्सर खराब रहता है, गैस से पेट भर जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। आज हम इन सब बीमारियों के लिए एक नुस्खा जो कि आजमूदा और बनाने में इन बहुत आसान है, आपको बताते हैं। आप इस नुस्खा को जरूर आजमाइए, इंशा अल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल पुरसकून हो गए हैं। इस नुस्खा के इस्तेमाल से आपकी याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी और नज़र तेज हो जाएगी। कंप्यूटर वर्क और ऑफिस में काम करने वालों के लिए ये नुस्खा कमाल की हैसियत रखता है। नज़ला, ज़ुकाम चाहे जैसा भी हो, दिमागी कमजोरी चाहे जैसी हो, आँखों की बीनाई चाहे जितनी भी कम हो, इन सब के लिए इससे बेहतर नुस्खा और कोई नहीं। मगज बादाम 200 ग्राम, सोम 100 ग्राम, खशखाश 100 ग्राम, सूखा आमला 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, हरीड 100 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, मगज तरबूज 100 ग्राम, मगज अखरोट 100 ग्राम, कलौंजी 30 ग्राम। इन सब दवाओं को अच्छी तरह कूट पीस कर सफूफ तैयार कर ले। इस फकी का एक चम्मच एक ग्लास गरम दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। तली हुई चीजें मसलन पकौड़े, समोसे वगैरह खाने से परहेज करें। बादी और गर्म चीजें हरगिज मत खाइए। हल्की फुल्की और साफ सुथरी गिजा का इस्तेमाल करें। ये दवा भी है और गिजा भी। इंशा अल्लाह इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपको अपनी तबीयत में बहुत फर्क महसूस होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मजीद ऑडियो नुस्खा जात और बुक्स की अपडेट्स के लिए हमारा चैनल बोलती किताबें सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।